कर रहे थे 9th क्लास का एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 और उसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है 1 प्लस अंडर रूट 2 बाय 1 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। देखें इसको करने के ना दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके साइड बाय साइड करके दिखाने लगा हूँ। तो चलते हैं, ये वाला पहले तरीका देखें। ये देखें जो हमने पिछली जैसे हमने क्वेश्चन में किया, हम क्या करते थे नीचे वाले को ही ऊपर लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस होता था तो इधर माइनस। इधर भी हमने ऐसे ही करना है, हमने क्या करना है नीचे वाले को ही हमने साइड पे लिख लेना है अंडर फाइव, लेकिन यहाँ पे प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते थे हम सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो 1 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, इधर 1 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये ऊपर मैं भी वैसे ही रहने देता हूँ, नीचे क्या आ जाएगा ये स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल आउट 5 माइनस 3, इधर भी वैसे ही रहने दूंगा, बीच में प्लस चलता आ रहा है 1 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और 5 माइनस 3 विच इज़ 2। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ये जो नीचे वाला था देखें इसी को मैंने रेज कर दिया, अब यही मैं ऊपर इसका आंसर लिखने लगा हूँ। ये वैसे ही आ जाएंगे, ये मैं ये वाला 2 और ये वाला 2 मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ 1 ओवर 2। अंदर क्या रह जाएगा देखें, 1 ओवर 2 जो मैंने बाहर निकाल लिया ना, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, बीच में प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ये चीज़ें आ गई, ये मैंने 1/2 बाय निकाल लिया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आपने मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका देखना है, पहले 1 ये वाला और दूसरा सारा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, फिर ये दूसरा और ये सारा। सिमिलरली इधर भी 1 रख के दूसरा सारा, माइनस अंडर 2 रख के दूसरा सारा, ये 1/2 चलता आ रहा है। अब देखें 1 ये मल्टीप्लाई होके 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए वही चीज़ आ जाएगी। अब अंडर रूट 2, 5 2 ज़ार 10 मतलब 10, 3 2 ज़ार 6 अंडर रूट के अंदर, ये भी वैसे ही आ जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई माइनस भी होगा, तो 5 2 ज़ार 10 प्लस माइनस माइनस और क्या हो जाएगा हमारे पास 3 2 ज़ार 6। अभी देखें +10 -10 -6, ये सब कुछ कैंसिल हो गया। अब देखें 1 अंडर रूट 5 और 1 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5। अभी देखो अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, सेम मिस्टेक हो गई है, ये भी अंडर रूट 6 था ये भी अंडर रूट 6 था। तो देखें ये 1 6 और ये 1 6, 2 6 आ जाएंगे, ये कैंसिल नहीं हुआ, ये भी अंडर रूट 6 माइनस, ये भी अंडर रूट 6 माइनस, और क्या नहीं कैंसिल हुआ अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, 1 अंडर रूट 5 1 अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 5, 1 अंडर रूट 6 1 अंडर रूट 6 -2 अंडर रूट 6, और बाहर के चलता आ रहा है 1/2। इस दोनों का भी 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2/2, 2/2 और अंदर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6, 2 2 से कट गया तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6। लेकिन इस तरह से बहुत लेंथ ही होता है ये वाला क्वेश्चन, इसको शॉर्टकट में आपको बताऊंगा और उसी तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे। भी वैसे ही है देखो, इसको भी वैसे करेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 3 था ना, इधर भी 2 लेकिन यहाँ -√3 आएगा, इधर भी -√3 आएगा, इधर क्या है 2 बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, यहाँ भी क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और इधर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, इधर 1/2 प्लस अंडर रूट 5 है ना, तो इधर क्या आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 5 और इधर भी 2 माइनस अंडर रूट 5,
सब कुछ सेम वैसे जैसे पहले करते हैं। ऊपर वैसे ही आ जाएगा 2 - √3, नीचे a प्लस बी 2a - b, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये भी वैसे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है √5 + √3 के साथ, नीचे भी a का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - √5 के साथ, और नीचे a का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, जैसे हम पहले करते आ रहे थे। नीचे का स्क्वेयर ओपन कर दो, ये वैसे ही 2 + 2 - √3 और 4 - 3, क्योंकि स्क्वेयर √2 से कैंसिल आउट, और यहाँ पे √5 + √3, नीचे भी स्क्वेयर √2 से कैंसिल आउट, तो 5 - 3, इधर 2 - √5 और नीचे 4 - 5, क्योंकि ये √2 से कैंसिल आउट। तो अब ये क्या बन गया, 4 में से 3 निकाल दो 1, अगले स्टेप में आपने ही करना है 5 में से 3 निकाल दो तो 2, 4 में से 1 निकाल दो तो -1। अब देखें ये माइनस ऊपर सबको प्लस कर देगा, तो ये माइनस ये माइनस इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूं, प्लस। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बन गया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप ये ऊपर रेज करके करने लगा हूँ। तो देखें यहाँ से ये 2 इस 2 के साथ भी चला गया, कैंसिल हो गया, तो ये भी यहाँ से हट गया। अब मेरे पास 1, 2, 3 रह गई, इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ, 2 - √3 रह गया, प्लस √5 + √3 रह गया, और प्लस 2 - √5 रह गया। देखो इसको मैंने वैसे लिख दिया, बाकी हर चीज़ मैंने 1 ये सब कुछ मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि 1 अंदर मल्टीप्लाई होके 1 ही आता है। ये देखें सब कुछ हटा दिया मैंने। अब देखें ये √3, ये +√3 ये गया, ये +√5 - √5 ये भी गया, 2 और 2 के आंसर आ गए इसका 4। भी बिल्कुल पुरानों की तरह ही है, इसको भी वैसे ही करेंगे, 2 by √5 √5 + √3 था, तो मल्टीप्लाई के √5 - √3 √5 - √3, बाकी 1 by ये भी वैसे ही आ जाएगा, तो 1 by √3 + √2, या मल्टीप्लाई के √3 - √2 √3 - √2, ये वैसे ही रहेगा 3 by √5 + √2, तो ये क्या आ जाएगा √5 - √2 √5 - √2। 2 अंदर मल्टीप्लाई, तो इसको मैं अभी वैसे ही लिखूंगा √5 - √3, नीचे a प्लस बी इंटू a - b, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और बीच में क्या है प्लस, और ये देखें 1 वैसे ही रहेगा, √3 - √2 भी वैसे ही रहेगा, तो a प्लस बी टू a - b, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और अब ये भी वैसे ही आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अब ये स्क्वेयर √2 से कैंसिल आउट, तो क्या रह गया 2 √5 - √3, नीचे 5 - 3, और √3 - √2, नीचे क्या रह गया 3 - 2, और √5 - √2, नीचे क्या रह गया 5 - 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर वाला वैसे ही लिख देंगे, सिर्फ नीचे चेंज करके क्या लिख देंगे 2, क्योंकि 5 में से 2 निकाल दो और ये 1, और 5 में से 2 निकाल दो ये आता है 3। अब देखेंगे 3 से अगले स्टेप में 3 से, तो क्या रह गया √5 - √3 + √3 - √2 - √5 + √2। यहाँ बच्चों की मिस्टेक होती है, ये देखें माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ये माइनस जब अंदर जाता है तो ये प्लस हो जाता है। अब देखें +√5 - √5 गया, क्योंकि यहाँ प्लस होता है, +√3 - √3, चलो जी सारी गुण हो गए चले गए, तो आंसर क्या गया 0। इसका आंसर क्या है 0।